25 जुलाई को कलात्मक योग का निर्माण। मिथुन में शुक्र और चंद्रमा की युति। किन राशियों पर होगी जमकर धन वर्षा? किन का होगा भाग्योदय? और किन के जिंदगी में आएगी प्यार की बहार? किन के लिए आएंगे मौज करने वाले दिन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघशर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। ग्रह नक्षत्रों के चाल में आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस 25 जुलाई को कलात्मक योग का निर्माण हो रहा है। मिथुन राशि में ही शुक्र और चंद्रमा की युति कलात्मक योग का निर्माण कर रही है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रहों की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। और कहते हैं कि जब जब अगर व्यक्ति की कुंडली में कलात्मक योग बन रहा होता है या वैसे ग्रह नक्षत्रों की चाल में राशि परिवर्तन के दौरान कलात्मक योग का निर्माण हो रहा होता है तो ये योग सिर्फ और सिर्फ लोगों के जीवन में प्यार की मोहब्बत की बरसात करता है। और ऐसे में आज हम अंकशमन जी से जानेंगे कि 25 जुलाई से कलात्मक योग का निर्माण किन लोगों के जीवन में उनके संबंधों में मिठास लेकर आने वाला है और इस मिठास के साथ साथ संबंधों में मिठास के साथ साथ आपको धन धान्य का भी लाभ देने वाला है और जो कि मिथुन राशि में बनने वाला है। और ज्योतिष में कहते हैं कि मिथुन राशि बड़ी ही रोमांटिक राशि होती है, तो आइए 12 के 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे। आइए सबसे पहले संक्षिप्त में ये जान लेते हैं कलात्मक योग का महत्व क्या है, क्यों इसे सबसे खास माना जाता है, इस योग को बताइए मैं जी। बिल्कुल कविता जी, देखिए शुक्र हर कोई चाहता है कि मेरा शुक्र बलवान हो, क्योंकि अगर शुक्र बलवान है तो आपके जीवन में प्यार मोहब्बत की बरसात भी होगी। और जो लोग कहते हैं आजकल इतने फोन आते हैं, सर क्या मेरी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं, ये शुक्र ही तय करता है। अगर शुक्र के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं है, बृहस्पति के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं है, शुक्र चंद्रमा की युति है, गुरु चंद्र की युति केंद्र में पंचम भाव में सप्तम भाव में हो जाए, लग्न में हो जाए, ग्यारहवें भाव में हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग हैं वो लव मैरिज करते हैं और उनकी लव मैरिज जो है रिलेशन लंबे समय तक चलता है, फिर शादी होती है और बहुत अच्छी सक्सेसफुल मैरिज वो देखी जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम प्यार के देवता जो शुक्र हैं इनको देखते हैं। अब जब जब शुक्र के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव आएगा तो कहना चाहिए चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है और वहां जब शुक्र बैठेगा तो हमारे मन में प्यार की भावनाएं बढ़ेंगी, फीलिंग्स बढ़ेंगी किसी के लिए, या लव रिलेशनशिप बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगी, ये स्वाभाविक है। चंद्रमा के ऊपर अगर शनि का प्रभाव आएगा तो मन में नेगेटिविटी आएगी, मानसिक तनाव परेशानी रहेगी, लेकिन जब चंद्र के ऊपर गुरु का प्रभाव आएगा तो अध्यात्म आएगा, लेकिन शुक्र का प्रभाव आएगा तो लव रोमांस आएगा और आकर्षण आएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत ही आकर्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा की युति पंचम भाव में सप्तम भाव में लग्न भाव में या एकादश भाव में होगी। अगर शुक्र राहु की भी युति होगी तो भी बहुत बड़ा आकर्षण का योग बनता है, क्योंकि शुक्र राहु मित्र हैं और अगर ये मिथुन राशि में बन जाए तो क्या कहने, तुला में बन जाए तो क्या कहने, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यानी कि हर कोई आपके व्यक्तित्व से आपकी वाणी से आकर्षण में रहता है और आपके पास खींचा चला आता है और आपसे मिलना जुलना दोस्ती रखना पसंद करता है। तो शुक्र चंद्रमा जो है प्यार की बरसात करेगा, रिश्तों में मधुरता लाएगा, वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा और साथ ही साथ कलात्मक योग बनाने के कारण आपका काम कारोबार में भी ये सफलता देगा। और जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे मीडिया लाइन हो, क्रिएटिव लाइन हो, पोएट राइटर हो, तो उन लोगों के लिए भी ये योग जो है आने वाले 1.5-2 दिन बहुत ही शानदार रहेंगे और बहुत ही अच्छे रहेंगे। क्योंकि देखिए ये योग 25 तारीख से बन रहा है और ये सप्ताह की शुरुआत होगी और सप्ताह की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो कहते हैं कि सप्ताह का अंत भी बहुत बढ़िया होता है। बिल्कुल, तो इस बार का ये कलात्मक योग आप लोगों के जीवन में क्या कुछ लेकर आने वाला है, आपका जीवन इन आने वाले 2 दिनों में किस तरह से बदल सकता है, क्योंकि देखिए जब चीज़ें बदलती हैं तो अचानक से बदलती हैं, तो ये कलात्मक योग आप लोगों के लिए कितना ही शुभता लेकर आ रहा है राशि अनुसार जानते हैं। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं मेष राशि के लिए इस कलात्मक योग में क्या कुछ है। देखिए कविता जी, मेष राशि वालों के लिए ये कलात्मक योग जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको प्रोफेशन में बड़ी हेल्प देगा, भाग्य भी आपका साथ देगा, भाई बहन का पूर्ण सहयोग आपको यहाँ मिलेगा और चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि है और शुक्र आपका सप्तमेश है, धन का कारक भी है, यानी कि यहाँ पैसा भी आएगा, कोई बड़ी डील हो जाएगी, व्यापार अच्छा चलेगा और आपको अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के रिश्ते मजबूत होंगे और साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी। तो ये कलात्मक योग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
लेकिन क्योंकि यहाँ सप्तमी शुक्र भी है और उस पर चंद्रमा एक साथ बैठे तो भोग विलासता में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा संभल के चलें और फिजूल खर्ची से भी बचें। और बाकी तो आप समझदार हैं ही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है मैंग जी आप जो कहना चाहते हैं शायद हमारे दर्शक समझ क्योंकि खासकर मेष राशि वाले जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत ही सुंदर ये बंदा है, आपके राशि का स्वामी चंद्रमा के साथ धन स्थान में बैठा है, तो घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आपको धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वृषभ राशि वालों बहुत अच्छा रहेगा और आपके काम कारोबार के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। लव रिलेशनशिप हो या वैवाहिक जीवन हो, रिश्तों में थोड़ी मधुरता रहेगी क्योंकि इस समय अंगारक दोष आपको बहुत ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर रहा था, तो ये वो समय है, ये वो ढाई दिन है, सवा दो दिन है जब आप अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं और अपनी पिछली सारी गलत फहमियाँ दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, और जो कि कलात्मक योग मिथुन राशि वाले जातकों की राशि में ही बन रहा है, और आइए इन लोगों के जीवन में अब प्यार की कौन सी बहार आ रही है ये भी जान लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों को इसका तकरीबन 95% फायदा मिलेगा। उस कविता जी उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध दूसरे भाव में बुध आदित्य राजयोग बना के बैठा है और लग्न में ही शुक्र आ गए, और शुक्र तो आपका पंचमेश है, लव का कारक है, प्यार का कारक है और संतान का कारक है। यहाँ आपकी संतान की सेहत अच्छी होगी, संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनका रिश्ता भी तय हो सकता है इस समय में, या बात चल सकती है। कुल मिलाकर आपके लव रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो उसमें ये मजबूती ला रहे हैं और आपके काम कारोबार के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। और देखिए इस दिन आपके लिए गज केसरी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है क्योंकि दशम भाव में गुरु हैं और केंद्रीय दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है गुरु और शुक्र की, तो ये योग आपके लिए कहना चाहिए किसी सोने पे सुहागे से कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। इन आने वाले दो दिन का फायदा उठाएं मिथुन राशि वालों, चाहे आप व्यापारी हों तो बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, और नौकरी पेशा लोगों को अगर कहीं नौकरी ज्वाइन करनी है, कहीं इंटरव्यू देना है तो ये दिन आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस योग में। देखिए कर्क राशि वालों के राशि के स्वामी चले गए हैं 12वें भाव में और शुक्र के साथ, तो ये क्या करेगा, यात्राओं का योग बनेगा इस समय, यात्राएं बहुत ज्यादा होंगी और यात्रा में बड़ी सफलता आपको मिलेगी, कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। लेकिन इस समय आप क्या करेंगे, फिजूल खर्ची पे लगाम लगाएं, भोग विलासता पर जरूर से ज्यादा खर्च ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें, इस समय आप रोमांटिक मूड में रहेंगे लेकिन मन में व्याकुलता बेचैनी भी रहेगी, कभी कभी क्रोध भी आ सकता है, तो थोड़ा सा अपने मन को समझाएं, थोड़ा संयम बरत के चलें। कर्क राशि वालों की आपको भी सलाह दी जाती है, जैसे मेष राशि वालों को बोला है कि आप भी थोड़ा सा भोग विलासता में इस दौरान थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है, और किसी से वाद विवाद टालें। चलिए कर्क राशि के साथ आगे बढ़ते जा लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में उनके लव लाइफ में अब कौन सी बहार आ रही है। देखिए सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, पंचम भाव पर शुक्र चंद्र की दृष्टि है, यानी कि नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज रहेगी। काम कारोबार की स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम दिखाई दे रही है, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत का थोड़ा इस समय ध्यान रखें, काम कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। चलिए ये तो बात हुई सिंह राशि की, जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस कलात्मक योग में। देखिए कन्या राशि वालों को कलात्मक योग का फायदा मिलेगा, जो लोग फिल्म लाइन में है या मॉडलिंग के लाइन में है या मीडिया लाइन में, उनको विशेष फायदा मिलेगा क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव में चंद्रमा के साथ है और धन लाभ भी होगा, काम कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा और आपका भाग्य भी यहाँ पूरी तरीके से साथ देगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए तो ये लाभ प्राप्ति के समय है और इसका फायदा उठाएं। मैं जी तुला जो कि शुक्र की ही राशि मानी जाती, तो इनके लिए कैसा है इनके ग्रह का ये कलात्मक योग। देखिए तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार है क्योंकि भाग्य स्थान में ये योग बन रहा है, तो यहाँ भाग्य वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, अचानक से कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है और ये योग आपके लिए भी अच्छा है और आपके परिवार के लिए भी अच्छा है और आपके जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर इन दो तीन दिनों में आपको बिजनेस में नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी और धन लाभ के भी योग बनेंगे और आपका मन भी जो है धर्म कर्म की ओर रुझान आपका बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अष्टम भाव में ये योग बन रहा है। देखिए यहाँ वृश्चिक राशि वालों पार्टी का अवसर आपको मिलेगा लेकिन वहाँ आपके रिश्ते किसी से खराब हो सकते हैं, अगर आप किसी पार्टी में जाएंगे तो बेवजह किसी से वाद विवाद ना करें, टाल दें उस चीज़ को, अन्यथा परेशानी हो सकती है। नशीले पदार्थों का सेवन आने वाले दो तीन दिनों में ना करें अन्यथा आपकी सेहत खराब हो सकती है, और खान पान पर थोड़ा संयम बरतें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने का है,
आने वाले दो ढाई दिन किसी भी मतलब लाइफ में कोई बड़ा चेंज ना आए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धनुराशि के लिए, धनुराशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आपका काम कारोबार भी बहुत अच्छा चलेगा और आपके जीवन साथी की सेहत में भी तेजी से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए अभी फिलहाल अभी रुक जाना चाहिए क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव है, क्योंकि वो बड़ा प्रभाव रहेगा इस गोचर से भी ज्यादा। तो नए कार्य की शुरुआत ना करें, जैसा लाइफ चल रही है उसको वैसे ही चलाए रखें। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। देखिए मकर राशि वालों को कोर्ट कचहरी के मुकदमे जो कोई अगर आपके चल रहे हैं तो उनसे आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस दौरान खर्च बड़ा रहेगा। हो सकता है कि आप अनचाहे खर्च आपको रह सकते हैं और जिसकी वजह से घर में कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी तरी कोई चीज़ खराब हो जाती है घर में और आप देखते हैं अचानक से 2-3-4-5 हज़ार का खर्चा आ गया, तो इस तरह के किसी खर्च से अनचाहे खर्च से आपका मन परेशान रह सकता है। लेकिन थोड़ा सा हौसला रखिए, ये चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान ना होए, अपना दिन को स्पॉइल ना करें। इस समय क्या करना चाहिए, देखिए आने वाले 2.5 दिन में आप जो कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं वो शुरुआत ना करें, अभी प्लानिंग कर लें, रुक जाए कुछ समय तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये योग जो है ये बहुत ही शानदार रहता हुआ नजर आ रहा है। इनको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, काम कारोबार के लिए अच्छा है और आपकी संतान के लिए भी अच्छा रहेगा। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, खासकर कपड़े का जिनका काम है, और जो लोग बुटीक चलाते हैं, जो लोग सैलून चलाते हैं या जिनकी होटल इंडस्ट्री है, उनको विशेष लाभ मिलेगा इस समय। चलिए मैं जी जाते जाते मीन राशि वालों के बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखिए मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में अकेला हो तो अलग परिणाम देता है, मन में व्याकुलता बेचैनी रहेगी, लेकिन यहाँ शुक्र जो है उस प्रभाव को बदल रहे हैं, यानी आपके मन में इस समय लव रोमांस जागेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। आने वाले 2 दिन मीन राशि वाले काफी ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे, थोड़ा रोमांटिक रहेंगे, कोई रिश्ते जो खराब हुए हैं उनको सुधारने का ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो बहुत ही अच्छा समय है। काम कारोबार में तो मीन राशि वाले बहुत बढ़िया आजकल कर रहे हैं, तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा और इस प्रोजेक्ट में आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी और आपकी इमेज जो है वो बहुत ही बढ़िया बन जाएगी, तो कुल मिलाकर शानदार समय है। तो ये हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि इस 25 जुलाई से बन रहा ये कलात्मक योग आपके जीवन में कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, आपके रिश्तों में कितनी मिठास लेकर आ रहा है और क्या कुछ आपको मिलने वाला है। एक चीज और ऐड करेंगे, कुछ राशियां जिनको मैं सावधानी बताई है वो इस दिन क्या करें, देखिए वो इस दिन क्या करें, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें, श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं और उनको कच्चा दूध चढ़ाएं, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। जो कष्ट आपके ऊपर आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं वो कम हो जाएंगी और आपके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।